वेलकम यू ऑल एट माई यूट्यूब चैनल द नर्सिंग अकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऋषिकेश की तरफ से रिलीज हुई वैकेंसी के बारे में। सो यह वैकेंसी रिलीज हुई है प्रोफेसर कम प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए कॉलेज ऑफ नर्सिंग एम्स ऋषिकेश में। सो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एम्स ऋषिकेश की तरफ से कितने नंबर ऑफ पोस्ट रिलीज किए गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, एज लिमिट क्या रखा गया है यहाँ पर, इस तरह से आपको अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए आपका फ़ीस क्या रखा गया है यहाँ पर, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो, इस केस में आपका पे स्केल क्या रहेगा, इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे यहाँ पर इंटरव्यू के टाइम पर, कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं आपको, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं, सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम आपको देने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। बात करते हैं एम्स ऋषिकेश की तरफ से रिलीज हुई नोटिफिकेशन के बारे में। सो यह नोटिफिकेशन रिलीज की गई है 25 मार्च 2021 को एडवर्टाइजमेंट नंबर इतने के अंदर। सो यह एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर कम प्रिंसिपल एट द कॉलेज ऑफ नर्सिंग एम्स ऋषिकेश में। सो यह एम्स ऋषिकेश कॉलेज ऑफ नर्सिंग में प्रोफेसर कम प्रिंसिपल की पोस्ट रिलीज हुई है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 1 पोस्ट है जो कि बढ़ भी सकता है, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर इंक्रीज भी हो सकता है। सो यह डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यहाँ पर डायरेक्ट भर्ती होना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है यहाँ पर आपको। अप्लाई करने के लिए आपको जो इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट है www.amsrishikesh.edu.in पर जाना है, वहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद उसको सबमिट करना है। जो ऑनलाइन अप्लाई का डेट है वो स्टार्ट हो चुका है 27 मार्च 2021 को सुबह 10 बजे से। इसका लास्ट डेट जो है वो 17 मई 2021 है। सो 17 मई 2021 से पहले पहले आपको सबमिट कर देना है, आपको अप्लाई कर देना है। यहाँ पर आपको अप्लाई करने के टाइम पर कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने पास ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म जो है उसका कॉपी आपके पास अपने पास होना चाहिए प्रूफ के तौर पर। इसके अलावा आपने जो पेमेंट कर रहा है यहाँ पर, अप्लीकेशन फ़ी आपने जो सबमिट किया है उसका प्रूफ के तौर पर रिसिप्ट होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पर जनरल ओबीसी कैटेगरी मेल के लिए 3000 रुपीज़ रखा गया है, जनरल ओबीसी कैटेगरी फ़ीमेल के लिए 1000 रुपीज़ है, इसके अलावा एससी एसटी कैटेगरी के लिए 500, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, फिजिकली डिसेबल पर्सन हैं उनके लिए यहाँ पर कोई भी फ़ी नहीं रखा गया है। बात करते हैं इंटरव्यू के टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो उसमें जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है वो आपके पास प्रिंट आउट उसका होना चाहिए, साइन किया हुआ प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास इंटरव्यू के टाइम पर सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा जो भी फोटोकॉपी से सर्टिफिकेट का अटेस्टेड किया हुआ होना चाहिए। कौन कौन से सर्टिफिकेट होने चाहिए तो उसमें एज प्रूफ के तौर पर आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसके अलावा आधार कार्ड, रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए आपके पास, क्वालिफिकेशन प्रूफ होना चाहिए जिसमें सारे का मार्कशीट होना चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, एनओसी होना चाहिए अगर आप सेंट्रल स्टेट सेमी गवर्नमेंट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट कहीं भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप एज ए वर्किंग एम्प्लॉय काम किए हैं वहाँ का एनओसी होना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, रिजर्व कैटेगरी डॉक्यूमेंट होना चाहिए इन द केस कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसके अलावा लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन इन इंडेक्स जनरल जो भी आपने पब्लिकेशन किया है उसका लिस्ट आपके पास होना चाहिए, प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी जैसे हमने बताया कि जो भी आपने पेमेंट किया है एप्लीकेशन फ़ी पे किया है उसका प्रूफ के तौर पर आपके पास रिसिप्ट होना चाहिए। इसके अलावा एडिशनल डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास है वो आपके पास इंटरव्यू के टाइम पर होना चाहिए। बात करें रिजर्वेशन की तो एज पर गवर्नमेंट रूल सारे रिजर्वेशन आपको दिए जाएंगे। बात करते हैं क्या सिलेक्शन प्रोसेस है यहाँ पर, तो जो भी आपने बायोडाटा सबमिट किया है एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम पर, अप्लाई करते टाइम पे जो भी आपका बायोडाटा है उसके बेस पर सिलेक्शन कमेटी के द्वारा आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के टाइम पर जो भी उनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहेगा, जो भी डिटेल प्रूफ रहेगा उसके बेस पर उनका सिलेक्शन किया जाएगा। साइट ऑफ इंटरव्यू की बात करें तो जो भी इंटरव्यू है वो एम्स ऋषिकेश में ही किया जाएगा, इसमें जो भी TADA है वो पेड नहीं किया जाएगा एम्स ऋषिकेश के द्वारा। कौन कौन से क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इस पोस्ट के लिए, तो इसमें मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए नर्सिंग में, MSc नर्सिंग आपका होना चाहिए, इसके अलावा रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ होना चाहिए काउंसिल से, और 10 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए MSc नर्सिंग के बाद,
जिसमें कि आपका 7 ईयर का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए नर्सिंग एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में। ये जो आपका क्वालिफिकेशन है वो काउंट होगा 17th of May 2021 तक। बात करें एज की, तो एज जैसे कि मैंने बताया कि 17th May 2021 तक आपका एज जो है वो मोर देन 55 नहीं होना चाहिए। मीन्स 55 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स ही केवल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा SC ST OBC या फिजिकली डिसेबल पर्सन को। बात करें पे एंड अलाउंसेस की, तो यहाँ पर प्रोफेसर कम प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ नर्सिंग पोस्ट के लिए लेवल 13 के अंतर्गत आपको पेमेंट रहेगा, जिसमें कि 1,23,100 से लेकर 2,15,900 तक का पे स्केल यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है, उसको फॉलो करना है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। जैसे कि आप जो भी कैंडिडेट जहाँ भी आप एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं या फिर जहाँ भी वर्किंग कर रहे हैं वहाँ का NOC आपके पास होना चाहिए। NOC आपको सर्टिफिकेट सबमिट करना है। इसके अलावा आपको MCRCKS में ज्वाइनिंग अगर आप कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने से पहले आपके पास रिलीविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए वहाँ का। इसके अलावा न्यू पेंशन स्कीम के तहत आपको सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे। रेजिडेंशियल एकोमोडेशन आपको दिया जाएगा इंस्टीट्यूट की तरफ से। इसके बाद इन द केस अगर अवेलेबल नहीं है एकोमोडेशन, तो उस केस में आपको HR सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट के हिसाब से दिया जाएगा। कोई भी एज रिलैक्सेशन यहाँ पर नहीं है SC ST OBC या फिजिकली डिसेबल पर्सन के लिए। जैसा कि मैंने बताया, इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी है वो आपका नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। यह अपॉइंटमेंट जो है वो फुल टाइम बेसिस पे रहेगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इसके अलावा जो भी रिजर्वेशन दिया जाएगा वो एज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, रूल्स और गाइडलाइन के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। एप्लीकेशन इनकम्प्लीट पाया जाता है तो उस केस में एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पीरियड ऑफ प्रोबेशन की बात करें तो यह 2 ईयर्स है यहाँ पर। नोटिफिकेशन और वेबसाइट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदर क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। थैंक यू।